नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं उनको हार्मोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, मेरे साथ आज आप इस वीडियो बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्मोन वर्ड एक ग्रीक पार्टिसिपल से डिराइव हुआ है जिसका दोस्तों मतलब होता है टू सेट इन मोशन या फिर अर्ज ऑन। अब दोस्तों, ये जो हार्मोन्स हैं ये स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स की तरह होते हैं जो कि दोस्तों प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। अब दोस्तों, ये जो हार्मोन्स हैं ये एज अ केमिकल मैसेंजर्स, इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर दोस्तों हम बेसिक फंक्शन से शुरू करें, जैसे कि दोस्तों ये हार्मोन्स हंगर को स्टिमुलेट करते हैं, फिर दोस्तों अगर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक जाएं, जैसे कि दोस्तों रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भी हार्मोन्स का रोल होता है, और यहाँ तक कि दोस्तों इमोशंस और मूड को भी हार्मोनी कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, ये जो हार्मोन्स हैं इन्हीं में एक पूरा सिस्टम आता है जिसको दोस्तों हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम दोस्तों एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स को बोलते हैं जो कि दोस्तों हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहां से दोस्तों ये जो हार्मोन्स हैं ये अपने डिस्टेंट और टारगेट ऑर्गन्स पर जाकर एक्ट करते हैं वहां पे जो भी उनको फंक्शन को परफॉर्म करना हो। अब दोस्तों, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड्स में जो कि दोस्तों पार्ट है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, तो क्यों ना दोस्तों हम सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले मेन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के बारे में जान लें। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दोस्तों काम होता है बॉडी टेम्परेचर, मूड, हंगर और प्लस दोस्तों जो हार्मोन्स बाकी प्रोड्यूस हो रहे हैं दूसरे ग्लैंड्स के थ्रू उनको कंट्रोल करना। और यहाँ पे दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है वो स्लीप और थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का दोस्तों काम होता है कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखना। इसके बाद दोस्तों आ जाता है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड का दोस्तों काम होता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन को कंट्रोल करना। इसके बाद दोस्तों आ जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स का दोस्तों काम होता है ब्लड शुगर लेवल, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और दोस्तों स्ट्रेसर्स पर रिएक्ट करना, जैसे कि दोस्तों अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर कोई मेजर इंजरी या फिर इलनेस हो। इसके बाद दोस्तों आ जाता है थाइमस। थाइमस का दोस्तों फंक्शन रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से, जो कि दोस्तों टी लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि दोस्तों एक वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है, उसको ये ट्रेन और डेवलप करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आ जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दोस्तों इंसुलिन को सिक्रीट करता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड दोस्तों जो हम सबकी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसको दोस्तों हम बोलते हैं सिकार्डियन रिदम, ये उसको कंट्रोल करता है, या फिर दोस्तों अगर हम सिंपली कहें तो ये स्लीप को कंट्रोल करता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो ग्लैंड है ये बाकी अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करें। यहाँ पे दोस्तों ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये उन हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रोथ को ट्रिगर करें। फिर दोस्तों लास्ट में हमारे पास आ जाता है टेस्टिस और ओवरीज, जिसमें दोस्तों ओवरीज केवल फीमेल्स में पाए जाते हैं और टेस्टिस केवल मेल्स में। और दोस्तों ये जो दोनों पार्ट हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन हो गया या फिर ईस्ट्रोजन हो गया, और भी दोस्तों बहुत सारे हार्मोन्स हैं, और ये मिल के पूरे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। तो दोस्तों इतने सारे रीजंस की वजह से हमें हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लस दोस्तों हमें हार्मोन्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दोस्तों ये जो हार्मोन्स हैं ये हर चीज़ को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि दोस्तों कब कौन सा प्रोसेस किस टाइम पर होना चाहिए और किस लिमिट तक होना चाहिए। वरना दोस्तों अगर हमारे पास हार्मोन्स ना होते तो दोस्तों जो हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं उनकी जो फंक्शन है वो रेगुलेटेड मैनर में ना हो पाते। फिर यहाँ पे दोस्तों ये जो हार्मोन्स हैं इनको तीन क्लासेस में बांटा गया है, जो कि दोस्तों हैं आइकोसेनॉइड्स, स्टीरॉइड्स और दोस्तों अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स में, जैसे कि दोस्तों पेप्टाइड्स और अमीन्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।